हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूँ अपन एक और नए ब्लॉग में। और आज हम आपको दिखाएंगे, हम लोग आए हैं नाकोडा टेंपल, हम और हमारे तीन फ्रेंड आए हुए हैं। जो देखिए ये यहाँ पे देखो खड़े हुए हैं, ये देखो सामने आपको दिख रहा है, ये मनीष है और यहाँ पे एक दूसरा हमारा फ्रेंड है, वो आई थिंक धोती वोती पहन के थोड़ा सा शर्मा रहा है, थोड़ा सा कूल टाइप का इंसान है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे मंदिर की क्या खासियत है और आप लोगों को दिखाएंगे एंट्रेंस यहाँ पे कैसा है, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए, मतलब एक क्या सुंदर तरीके से इन्होंने जो दृश्य बना रखे हैं वो सब हैं। और देखिए पता है ये सब देखिए, एक 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 गजब का सेटअप इन्होंने कर रखा है। ये देखिए भाई, आई थिंक ये मूर्ति आप देख लीजिए। और यहाँ पे ये देखिए, ये बंदा देखो खंबे के आड़ में छुप रहा है, ये बहुत ही मतलब कूल और डेस्टिंग टाइप का बंदा है। तो मिलवाएंगे आपको सबसे बारी बारी में, और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि जो यहाँ पे जो भंडारा होता है वो कैसे होता है, वो भी उस साइड में होता है। देखिए ये हम लोग घूमने के लिए आए हैं, तीन लोग तीन फ्रेंड आए हैं, और यहाँ से आपको दिखाएंगे पूरा। यहाँ पे कैमरा एक्चुअली अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे कैसे ब्लॉग बना रहे हैं, थोड़ा सा छुट्टी करें तो लाइक शेयर ना करें थोड़ा सा। देखिए ये ही एक फ्रेंडशिप की खासियत है, जब आप तीनों लोग आते हैं, मतलब आते हैं तो बहुत मज़ा आ रहा है। एक्चुअली हमने बहुत इन्जॉय किया। ये आप ऊपर देख रहे होंगे ये पहाड़ वगैरह, और यहाँ का ना एकदम सीन इस टाइप का है कि पहाड़ नदी झरने। और यहाँ पे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, वो जो आपको दूर एक मंदिर दिख रहा होगा, यहाँ की खासियत यह है कि वो उस मंदिर में पेड़ है वो ऊपर है, उसकी जड़ नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाथी घोड़े, ये देखिए ये भाई साहब लोग फोटोज़ वगैरह खींच रहे हैं यहाँ की सुंदरता। और वो जो एक हिंदू मंदिर में जो बोलते हैं ना गर्भगृह, कहाँ पे वहाँ पे फ़ोटो अलाउड नहीं है, वो उस साइड पे है और हम अभी इस साइड पे हैं। देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, वहाँ पे फ़ोटो वगैरह अलाउड नहीं है। ये देखिए ये इस साइड में है, और ये देखिए ये लोग देखिए। एक्चुअली ये जो हमारा दूसरा वाला फ्रेंड है जो ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन के आया है, ये यहाँ पे हाफ ओवर पहन के जाने नहीं देते, तो यहाँ पर इन्होंने धोती पहनाई हुई है।